हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी फाउंडेशन केकी हो जाता है अराउंड नोज एंड क्रीजिंग हो जाती है कुछ ऐसे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। नंबर वन, ऑयली स्किन। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन से मेकअप ब्रेक डाउन या स्लाइड ऑफ होने लगता है। नंबर टू, एक्सेस प्रोडक्ट। अप्लाइंग टू मच ऑफ फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर अराउंड नोज, इतना प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाने की वजह से मेकअप पैची या केकी लगने लगता है। नंबर थ्री, ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन फ्लेकी है, ड्राई है, तो फाउंडेशन उधर ही स्टक हो जाएगा एंड पैचेस इमीडिएटली क्रिएट होने लगेंगे। नंबर फोर, इनकरेक्ट एप्लीकेशन टेक्निक और ओवर ब्लेंडिंग। अगर आप रॉन्ग टूल्स टेक्निक्स यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन अनइवन हो रही है, देन इट ऑल्सो लीड्स टू केकी मेकअप। नंबर फिफ्थ, नॉट प्रॉपरली प्रेपिंग योर स्किन, स्किपिंग मॉइस्चराइजर्स, प्राइमर्स बिफोर मेकअप, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स अनइवनली एब्जॉर्ब होते हैं एंड लीड्स टू अ केकी अपीयरेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने स्किन प्रेप से। जितना अच्छा हमारा स्किन प्रिपरेशन होगा, उतने ही अच्छे से हमारे प्रोडक्ट सेटल डाउन होंगे एंड उतना ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ट्यूलिप वेट वाइप्स। आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। ये अल्कोहल फ्री वाइप्स हैं। कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं अपने फुल फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। देन हमारे नोज पर या नोज के अराउंड ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होने की वजह से फाउंडेशन सेट नहीं हो पाती एंड कुछ ऐसी दिखती है। सो फॉर दैट, हियर आई एम यूजिंग आस्था बेरी फेस स्क्रब टू एक्सफोलिएट माय स्किन फॉर अ स्मूथ कैनवस, जेंटली मूविंग माय फिंगर्स इन सर्कुलर मोशन कि जितनी भी डर्ट, डेड स्किन है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। देन इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको खुद ही एक स्मूथ कैनवस फील होगा अराउंड योर नोज। देन स्क्रब करने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। 1 मिनट का ब्रेक देकर आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। अब पॉइंट आता है कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन गो फॉर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जिसमें वाटर कंटेंट लेवल ज्यादा हो। अगर ड्राई स्किन है तो क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, कुछ ऐसे जो मॉइस्चर रिटेन करे आपकी स्किन में। एंड अगर नॉर्मल स्किन टाइप है तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स अच्छे से वर्क करते हैं जिसमें वाटर एंड ऑयल लेवल बैलेंस्ड हो। नोज के अराउंड भी अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज करना है। देन कम्स द प्राइमर। फॉर दैट आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा पोर ब्लर प्राइमर। जहाँ जहाँ इनलार्ज पोर्स हैं आपको वहीं पर यूज करना है। अब एक डैम्प स्पंज लेकर उस पर थोड़ा सा हेयर स्प्रे स्प्रे कर दो। इसमें स्टिकीनेस होने की वजह से जो भी आपके फर्दर प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक अच्छे से ग्रिप मिल जाएगी। यस, आप ग्रिपिंग प्राइमर लाइक एल्फ भी यूज कर सकते हो। इसको सिर्फ नोज के अराउंड ही डैप डैप करना है, बिकॉज हेयर स्प्रे हमारे फेस के लिए नहीं होती, तो प्लीज इसको फुल फेस पर अप्लाई मत करना। 2 शेड्स डार्कर कंसीलर से ब्लेमिशेस मार्क्स कवर कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैंने दूसरा स्पंज का यूज करा है। अब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। आपका जो भी डिजायर्ड फाउंडेशन शेड है, अप्लाई इट ऑन योर फुल फेस एक्सेप्ट नोज। नोज पर फाउंडेशन डायरेक्टली नहीं लगाएंगे एंड जहां जहां फाउंडेशन अप्लाई करी थी उधर ब्लेंड करते टाइम वही प्रोडक्ट हम नोज पर बिल्डअप कर देंगे। अब दोबारा हेयर स्प्रे करूंगी उसी ब्लेंडर पर जिस पर पहले स्प्रे करा था एंड अगेन इसको डैप करना है ओनली अराउंड नोज, फुल फेस पर नहीं करना। इससे आपका फाउंडेशन उधर ही स्टिक ऑन हो जाएगा, फाउंडेशन को एक ग्रिप मिल जाएगी। देन टेक एनी सेटिंग पाउडर और कॉम्पैक्ट, उससे फुल फेस एंड नोज के अराउंड अच्छे से लॉक कर दो। मैंने इतना रब करा है ऑन द साइड्स ऑफ माय नोज बट फाउंडेशन बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। देन मैं थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी। जैसे भी आपको लुक क्रिएट करनी है आप अपनी लुक को वैसे इनहेंस कर सकते हो, बट मेक श्योर आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज मत करिए आफ्टर फेस लॉक। देन थोड़ा हाइलाइटर एंड लिप लाइनर एंड देन लिपस्टिक से मैं अपना लुक कंप्लीट करूंगी एंड एट लास्ट स्प्रेइंग सम मेकअप फिक्सर टू मेक माय मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। देन कम्स द पॉइंट, कुछ टाइम बाद आपको स्वेटिंग हो रही है एंड आपका मेकअप स्लाइड ऑफ होने लगा। उसके लिए आपको बस यही करना है, पहले हल्के हाथों से थोड़ा डैप कर दो जहां से भी आपका मेकअप स्लाइड ऑफ हो रहा है एंड उसको लॉक पाउडर से उधर ही सेट कर दो। ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका मेकअप कभी भी क्रीज नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।